लगातार मौसम बदलता नजर आ रहा है, जे असी गल कर लिए हुण सस्पेक्टेड जिहड़े फीवर ने डेंगू दे मरीज है उन्हां च वी वाधा होया। हालांकि हुण लगातार हैल्थ डिपार्टमेंट वल्लों भी कई सफलता जिहड़ी कीती गई है जिहदे विच लोकां नूं अवेयर किया जा रहा है या फिर होर भी जाके जिहड़ी पूरी टीम है वो जाके घरां दे विच पूरी चैकिंग करती नज़र आ रही है। लेकिन जिहड़े सस्पेक्ट फीवर है या डेंगू दे जिहड़े पेशेंट है वह किते ना किते पिछले दिनां च बढ़े हैं। मोहाली जिले की असी गल कर लिए कई इस तरह की संख्या जिहड़ी है वधी है, असी कोशिश की है आंकड़े लैण की और किस तरह की सावधानी किस तरह की प्रिक्योशन डॉक्टर्स वालों हैल्थ डिपार्टमेंट वालों लीती गई है। बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को किस तरह अवेयर करना, लोगों को किस तरह सावधान करना, किस तरह के जेकर सिमटम हो उसनू आगे किस तरह की चीज़ा करनी। साढ़े नाल सीनियर डॉक्टर डॉक्टर ईशा जुड़े ने, उन्होंने असं गलबात करांगे। मैडम, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के नाल जिहड़े डेंगू के पेशेंट ने उन्हां च भी वाधा होया, मोहाली जिले की असं गल करिए, अपने हॉस्पिटल के विच किस तरह की तैयारियां ने और आंकड़े की कहते हैं? तो हर साल उही होंदा कि बारिशों के बाद वायरल के केसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, साढ़े को बहुत ज़्यादा फीवर के केसिस आ रहे हैं। पिछले दो महीने तो फीवर के काफ़ी केसिस एडमिट हो रहे हैं, उस डेंगू के केसिस भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो हूँ तक अक्टूबर के महीने की अगर असी गल करें तो अराउंड 100 को पेशेंट साढ़े को आ चुके हैं और हले इस समय भी साढ़े को 9 पेशेंट्स डेंगू पॉजिटिव हैं जेडे कि एडमिट है। ठीक है, कल दी डेट दी कल दी डेट है। वार्ड गल करिए या फिर होर किस तरह की चीजा का ध्यान रखा, क्योंकि लगातार वार्ड्स या एमरजेंसी है वो भरी हुई है खास तौर पे सस्पेक्टेड जेडे फीवर है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਫੀਵਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਆਂਕੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਕਟਿਡ? पिछले महीने च अराउंड 120 पेशेंट साढ़े को एडमिट हुए हैं अक्टूबर च, और सितंबर च अराउंड 50 पेशेंट जेडे हैं वो एडमिट हुए हैं डेंगू पॉजिटिव, जिदे च बड़े बच्चे सारा मिला के। ठीक है, तो सर मैम कोई एज सिस्टम भी है का? बच्चों तो ज्यादा प्रॉब्लम है या बुजुर्गों या जिन्हों की इम्यूनिटी सिस्टम? देखो डेंगू तो होंगे जो मच्छर काटना तो किसी भी हो सकता है, बट जिहड़ा बच्चियां और बुजुर्गों च हुंदा है कि ज़्यादा सीरियस सिमटम्स आ सकते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान देने की लोड़ है। अगर कोई भी तरह का फीवर आ रहा है तो अपना टेस्ट कराए, डॉक्टर नूं दिखाए और सावधानी बरते। किस तरह की जिहड़ी चीज़ां उहदा ध्यान रखा जा रहा है? तो असीं लगातार बच्चे भी होण बुजुर्ग भी होण काफ़ी रश जिहड़ा है पेशेंट दा देख रहे, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? तो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं फीवर नाल, हाई ग्रेड फीवर हुंदा है, नाल नाल कमजोरी होना, शरीर च दर्दा होना। असी ज़्यादातर असी एडमिट करते हैं जो ना प्लेटलेट काउंट जो सैल कहते हैं आम लैंग्वेज असी वो फॉल हो जाते हैं, तो उस करके जो है ज़्यादा कॉम्प्लीकेशनस होने की संभावना रहती है। डेंगी हिमरेजिक फीवर जिन्हों कहते हैं, तो प्लेटलेट्स कम होने नाल ब्लीडिंग हो सकती है और जान का खतरा भी बना रहता है। इस तरह के पेशेंट्स आते हैं साढ़े को जहाँ के प्लेटलेट काउंट जो है काफ़ी लैस है। बच्चों की गिनती ज़्यादा देखने मिल रही है मैम, इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम है कि बच्चों की गिनती इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि बच्चों असी ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, तो अगर एडल्ट कोई पेशेंट आता है अगर वैसे डेंगू पॉजिटिव है लेकिन सेल नॉर्मल है कोई वार्निंग सिम्टम नहीं है तो असी ज़्यादातर एडमिट नहीं करते, लेकिन बच्चे एडमिशन सानू ज़्यादा करना पैंदा है। तो मैम इस तों इलावा होर किस तरह की चीज़ा का, क्योंकि जिदा हैल्थ मिनिस्टर वालों भी कहा गया सीगा कि मोहाली जिले दे विच किते ना किते काफ़ी केसिज आए। देखो डेंगू जिहड़ा है वो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस वाली एक बीमारी है जिहड़ी हर साल आती है, हर साल पेशेंट्स नूं भी लोगों नूं पब्लिक नूं असी अवेयर करते हैं कि डेंगू नाल किस तरह बचा जाए। एक तो वही है गवर्नमेंट तो अपने वालों कर ही रही है, रेगुलर कैंप्स हो रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स हो रहे हैं, स्प्रेइंग फॉगिंग हो रही है, बट पेशेंट्स नूं पब्लिक नूं भी ध्यान देना है कि अपने आप नूं बचा के रखे मच्छरों नाल। यह जिहड़ा मच्छर है वो सवेरे और शाम के टाइम जिहड़ा है ज़्यादा एक्टिव होंदा है, तो उस टाइम स्पैशली अगर तुसी बाहर जाते हो किसी पार्क जाते हो तो पूरे बाजू के कपड़े पहन के जाओ। ठीक है, अपने आसपास कितने भी पानी कलेक्शन नहीं होने देनी है। डेंगू जिहड़ा है अर्बन प्रॉब्लम है बिकॉज वो साफ पानी पैदा होता है, तो पॉट्स टायर कूलर ये सारा जिहड़ा है साफ रहना चाहिए। अपने घर के आस पास देखो कितने भी पानी की कलेक्शन है वो बहुत जरूरी है, तो वो जिहड़ा है हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पब्लिक का भी फर्ज बनता है सारा साफ सफाई का ध्यान रखना। बदलाव नु लेके भी प्रॉब्लम्स होंदी है जिदा हुण सवेरे ते शाम दी ठंड जिहड़ी है हो चुकी है, मौसम च काफी बदलाव हो रहा है।
देखो इस मौसम जो चेंज होता है तो वायरल जोड़ा है वो वैसे ही आम तौर पर कोई भी वायरल बीमारी बढ़ती हुई नज़र आती है। इस तो इलावा होर किस तरह की चीज़ों का जरा अगर ध्यान रखा जा रहा खास तौर पर हॉस्पिटल से, क्योंकि कई बार होंगे लोग झोला छाप जो डॉक्टर्स ने या किसी के कहने पर कैमिस्टा शॉप से दवाइया लैके लेंगे उस तो होर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही असं ध्यान रखते हैं कि एक तो कोई वार्निंग सिमटम जिन्होंने असं कहते हैं वह नहीं आना चाहिए कि किस तरह की कोई ब्लीडिंग हो रही है, पेट में कोई ज़्यादा दर्द हो रहा है, छाती दर्द हो रही है, बीपी लो हो रहा है, अगर इस तरह के कोई भी सिमटम आ रहे हैं उन पेशेंट के ज़्यादा खास ध्यान देते हैं। सस्पेक्टेड जो फीवर्स ने लगातार आ रहे हैं। हाँ वो तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं सस्पेक्टेड फीवर। हाँ जी हाँ जी। डेंगू दे असी तुसी जिद्दां क्या 1 महीने च 120 ते इस महीने दे विच थोड़ा जिहा आंकड़ा जे तुहानू पता लग जाए किन्ना क आंकड़ा जिहड़ा हैगा इस महीने वध्या है सितंबर दे मुताबिक। जिस तरह सितंबर च अराउंड 50 को पेशेंट आए हैं साढ़े को डेंगू पॉजिटिव, अक्टूबर च अराउंड 120, अक्टूबर च ज्यादा, हुण वी लगातार कंटिन्यू चल रहा है। हुण भी चल रहा है बट होपफुली जो थोड़ी जी ठंड बढ़ती है तो थोड़े मामले जो है घटने शुरू हो जाते हैं। okay. हाँ जी मतलब हाँ जी, तो मानसून के बाद जो डेंगू के केसेस बढ़ते हैं तो विंटर आते आते तो डिप नजर आ जाए। प्लेटलेट्स जी घट होती है तो कई पेशेंट्स रेफर भी किया या इलाज है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की अगर कोई सडन लोड पै जाती है तो सू फिर भेजना पैदा पेशेंट अपने हॉस्पिटल की भी सारी जी तैयारियां वार्ड्स लैके। हाँ जी वार्ड अवेलेबल है साढ़े को डेंगू वार्ड अवेलेबल है जिथे पेशेंट्स का 24 घंटे देख रेख की जा रही है। ठीक है तो बिल्कुल जिदा मैम ने दसा कि बहुत जरूरी है कि लोगों भी अवेयर होने की है, जिदा मैम ने भी कहा कि लोगों अवेयर होने की लड़ है जिस तरह का मौसम चेंज हो रहा है या फिर जो सस्पेक्टेड फीवर जोड़े हैं या डेंगू के जो केसिज ने वो बढ़ रहे हैं जिसनों लैके लोगों बार बार अवेयर किया जा रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट वालों काम किया जा रहा है। वार्डस के नाल जो पेशेंट की कंसल्टेन है यही बार बार किया जाता है कि तुम झोला छाप डॉक्टर्स ने या किसी के कहने पर कोई भी मेडिसिन ना खाओ क्योंकि उस तो प्रॉब्लम हो सकती है। जेकर तुम इस तरह का कोई सिमटम हों तो नाल के हॉस्पिटल जरूर जाके डॉक्टर नाल कंसल्ट करो। मोहाली तो कैमरामैन विनोद कुमार नाल मनोज राठी, यूजी टीम पंजाब।